नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पारमेश्वरी ज्ञान चैनल में। दोस्तों, आज की इस सीरीज में तिल के बारे में बताएंगे आपको, जैसे कि पार्ट वन, और ये कुछ पर्वतों के ऊपर हमारा तिल का प्रभाव रह गया, तो हम इसको पार्ट टू में कवर करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखें, इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है। और इसके पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, और ये विषय अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर ले। सबसे पहले अपने हाथ की तीन मुख्य लाइनों को देखते हैं। सबसे पहले हमारी ये जीवन रेखा, जीवन रेखा हमारे जीवन के बारे में, हमारे प्रोग्रेस के बारे में, हमारे हेल्थ के बारे में बताती है। और इसी प्रकार से हमारी मस्तिष्क रेखा, हम किसी बात को कितने गहरे विचारों में जा रहे हैं उसके बारे में बताती है। और इसी प्रकार से हमारी हृदय रेखा, हमारे प्रेम संबंध, हम एक दूसरे के नजदीक कितने पहुंचते हैं उसके बारे में बताती है। तिल के बारे में आज बताना, कुछ पर्वतों पे, जैसे कि चंद्रमा के पर्वत के ऊपर, ये चंद्रमा का पर्वत है, इसको हम चंद्रमा का पर्वत बोलते हैं, चंद्रमा का पर्वत, चंद्रमा के पर्वत के ऊपर यहां पर अगर तिल बनता है, ऐसे लोगों को देखा गया है उनकी इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होती है। अगर थोड़ा सा मौसम चेंज होता है, जैसे सर्दी जुखाम नजला, इन चीजों को उनके लाइफ में बार बार आता है, और मन की स्थिति कमजोर होती है। और देखा गया है, ऐसा भी पाया गया है कि अगर ऐसे लोगों को पानी से डर लगता है, और ऐसे लोगों का जो देखा जाए तो रिलेशन में कई बार शादियां भी लेट होती है, किसी न किसी कारण बस मन की स्थिति मजबूत नहीं हो पाती है। और यहां पर एक चीज और देखा गया है कि अगर हाथ में यहां पे चंद्रमा के माउंट के ऊपर तिल है, तो माता के साथ व्यवहार में कुछ कमी पाई गई है, संबंधों को कह दे तो बहुत ज्यादा ठीक नहीं माना जाता है, ठीक नहीं पाया जाता है। और इसी प्रकार से शुक्र के पर्वत के ऊपर तिल, ये शुक्र का पार्ट है, ये शुक्र का पार्ट, शुक्र का पर्वत है, ये शुक्र का पर्वत है। शुक्र के पर्वत के ऊपर सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव देखा गया है जीवन में। यहां पर अगर देखें और तो नाम खराब हो जाता है, बदनामी दे देता है, बदनामी ऐसा देता है कि दाग लग जाता है। तिल का मतलब बदनाम, दाग। अगर लड़के हैं तो लड़कियों से बदनामी मिलती है, और लड़की है तो लड़कों से बदनामी मिलती है। जीवन में ये घटनाएं अवश्य घटती है। अगर आपके हाथ में यहां पर तिल है तो ये चीजें आपके जीवन में जरूर घटती है। और इसको अगर किसी के लाइफ में एक बार बदनामी का दौर आ जाता है, तो ऐसे लोगों को जीवन में डर लगता है कि लड़कियों से कैसे बात करें। और पुरुष है तो लड़कियों से डर पैदा हो जाती है, और लड़का है तो लड़कियों से डर पैदा हो जाता है। क्यों? उन्होंने जीवन में ऐसी घटनाएं देखी है, बदनामी, बदनामी करा देता है लोगों में, एक तरह का कह लो कि इतना संचार की तरह ये शुक्र का पर्वत दिलाता है बदनामी, कि वो काफी लोगों में जानने वाला हो जाता है। और ऐसे लोगों को शुक्र जिसका बलवान हो और शुक्र के माउंट पे ये तिल हो, तो अपने आप को सावधान करके रखे, नहीं तो ये चीजें अवश्य घटनाएं घटाएगा। और इसी प्रकार से मणिबंध के ऊपर तिल, ये मणिबंध है, इसको मणिबंध बोलते हैं, मणिबंध का क्षेत्र है, मणिबंध के ऊपर जो ये तिल बनता है, यहां पर देखें तो आप ऐसे लोगों के घर पर मेहमान
बहुत आते हैं और मेहमान ऐसे आते हैं कि बिना खाना खाए जाते नहीं है। उन कह लो कि उनके घर में जो गैस है, चूल्हा है, जो हमेशा वो गर्म ही रहता है और खाने बिना खाते हैं तो खाना खा आते हैं तो खाना खा के ही जाते हैं। ऐसे लोगों को अगर देखें तो उनके घर के जो स्त्रियां होती हैं वो काफी महसूस करती हैं कि कोई ना कोई तो घर में चला ही रहता है। तो मतलब वो भी एक तरह का अगर देखें तो वो बोल तो नहीं पाती हैं क्योंकि उनके घर का जो व्यवस्था है वो तंदुरुस्त होती है। मतलब कि उनके घर का जो देखभाल करने वाला है अगर उसके हाथ में ऐसा तिल है तो मतलब वो भी अगर रिश्तेदार आते हैं तो उनको खाने से कोई परहेज नहीं होता, वो खिलाने में सक्षम होते हैं। लेकिन स्त्रियां खाना बना बना के परेशान होती हैं, तो ज्यादातर यही पाया जाता है। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो, फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।